अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़िया। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद के लिए ईरानी कीमा की रेसिपी। आप लोग हमारे तरीके से बना लिए तो खाने वाले आप लोगों की तारीफ करते थकेंगे नहीं। ये बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो आइए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 1 kg कीमा लिए हैं। इसको अच्छे से हम धुल कर रख दिए थे, पानी अच्छे से निकल गया है और ये हड्डी और फैट दोनों है, इससे कीमा बहुत ही अच्छा बनता है। गोल मिर्च है, ये लौंग है, ये शाहजीरा है, ये हरी इलायची है, ये बड़ी इलायची है, ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, ये बादियान का 2 फूल है, ये ज़ीरा है, ये जावित्री है, ये सूखा धनिया है। इसको हम रोस्ट करके पीस लेंगे। हम जल्दी कभी भी बाहर का मसाला नहीं लेते हैं, घर के मसाले में बनाते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके लिए हम ग्रीन मसाला लिए हैं, गिल्ला मसाला, ये मिर्ची है, 6 से 7 हम हरी मिर्च लिए हैं, ये पुदीना है और ये हरा धनिया है, ये खोपरा है। इसको हम कट करके एक साथ में इसका पेस्ट बना लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा कीमा में। इसमें हम 4 चम्मच कुकर में ऑयल डाले हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें बड़ी इलायची 1 है, 2 हरी इलायची, 2 बादियान का फूल और 4 जीरा, इसको हम डाल देंगे, इससे फ्लेवर कीमे में बहुत अच्छा आएगा। अब ज़ीरा हमारा चटकने लगा है, इसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 तेज़पत्ता है, और ये 2 बड़ी प्याज हैं, इसको हम बारीक कट कर लिए थे। अब इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को। गैस की फ्लेम को हम हाई किए हैं, उसी पर हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को भूनेंगे ब्राउन होने तक। फिर देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को हम 3 मिनट के लिए भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब तक हम इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन हमारा भून गया है, 3 मिनट के लिए इसको हम भून लिए हैं, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम मसाले को डालेंगे। ये जो मसाला रोस्ट करके भून कर पीसे थे, इसको हम ऐड कर दिए। ये घर का मसाला, इतनी अच्छी खुशबू इसमें से माशाल्लाह आ रही है। इसको भी हम मसाले को 2 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब इसमें हम कीमा ऐड करेंगे। अब कीमे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ईरानी कीमा है, आप लोग इसको बकरा ईद पर ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये कीमा बहुत अच्छा बनेगा, सबका दिल खुश हो जाएगा, ये कीमा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम मसाले को ऐड करेंगे। ये ग्रीन मसाला जो हम पीसे थे उसको हम डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब कीमे को हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, 3 मिनट के लिए कीमे को भी हम भून लिए हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। हम 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। चम्मच हमारा बड़ा है तो इसके लिए हम 1 चम्मच ऐड किए हैं। अब इसको हम ढक्कन लगा के ऐसे ही पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, फिर हम बाद में आपको दिखाएंगे। ये देखिए कीमे को हम 5 से 6 मिनट के लिए भून लिए हैं, ऐसे ढक्कन लगाकर ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम मटर डालेंगे। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। अगर आप लोग को डालना है तो डालिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। मटर डाल देते हैं ना तो कीमा हमारा और भी, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, उस तरीके का कीमा लगता है, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम मटर डाल रहे हैं। इसमें हम सोया ऐड करेंगे, ये भाजी सोए की भाजी है, इसको हम डालते हैं ना तो फ्लेवर कीमे में और भी अच्छा आ जाता है। तो सोया थोड़ा डाल देते हैं ना तो इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो खाने में और भी अच्छा लगता है। तो हम सारी चीज़ को अब 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। मटर और सोए को डाल के इसको भी हम 3 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब इसमें हम दही डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम सीलो करके दही डाल रहे हैं। ये घर का गाढ़ा दही है, इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी वगैरह हम कुछ भी नहीं डालेंगे। अब लीड लगा देंगे, इसको हम 2 प्रेशर आने तक पकाएंगे। 2 प्रेशर में कीमा हमारा अच्छे से गल जाएगा। अब इसमें हम लीड लगा देंगे, 2 प्रेशर आने का हम वेट करेंगे। 2 प्रेशर में कीमा हमारा अच्छे से पक जाएगा। ऑलरेडी पहले भी हम 10 से 15 मिनट के लिए कीमा पका चुके हैं। अब इसमें हम कीमे में एक तड़का लगाएंगे, उसके लिए हम बटर ले लिए हैं, अमूल बटर। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, इसको क्रंच होने तक पकाएंगे हम मिर्च को। ये देखिए मिर्च हमारी पक रही है। अब एक तरफ हम कीमे को देख लेते हैं, कीमा भी हमारा अच्छे से पक गया है।
और माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कीमे से और तड़के से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम एक तड़का लगा देंगे ना तो इसका मज़ा डबल हो जाएगा, इसका जायका बढ़ जाएगा। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। अब इसमें हम तड़का लगा देंगे, ये देखिए तड़के से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और कीमा भी हमारा बहुत अच्छा बना है। अब हमारा कीमा बनकर रेडी हो गया है, अब इसको हम पाँव से इंजॉय करेंगे। ये पाँव से कीमा बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी बनाइएगा तो इसको पाँव से ही इंजॉय करिएगा। ये देखिए हम प्याज की स्लाइस कट कर लिए हैं और थोड़ा सा नींबू डाल रहे हैं इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा कीमा लगता है खाने में। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।